हेलो तो मेरे दोस्तों, क्या सब से लोग जैसे कि आप सभी भाइयों का पता है, आज गाय आ चुका सी सुपर हीरो ड्रिंक जो कि काफ़ी खतरनाक बंडल है हमारे इस बार के जो इवेंट के अंदर। तो मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं बंडल, आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट करके भी बताना, और कौन कौन बंदा इस बंडल को निकालेगा वो भी बताना, और कौन नहीं निकालेगा वो भी बताना, कौन क्यों निकालेगा रीजन बता देना, कौन नहीं निकालेगा क्यों नहीं निकालेगा वो भी रीजन बता देना। जैसे कि मैं आपको रीज़न बताने वाला हूँ मैं निकालूँगा या नहीं, तो आप भी रीज़न बता देना, ठीक है भाइयों। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या कुछ है इसके अंदर, कितने का स्पिन स्पून होता है, कितने तक डायमंड वायर लग सकते हैं, मैं आपको सब कुछ बताऊँगा। अगर आप ये बंडल निकालोगे, एक बंडल निकालोगे तो कितने डायमंड लगते हैं, दो निकालोगे कितने डायमंड लग सकते हैं, अगर आप तीन बंडल निकालोगे तो कितने डायमंड लग सकते हैं। चलो देखते हैं क्या कुछ इवेंट है इसके अंदर। ये तो इस प्रकार से कुछ इवेंट आया है। वो सबसे पहले एक चीज़ नोटिस करोगे कि इधर इवेंट का बॉक्स होता था, इधर इससे जो ये वाला बंडल है ना, इससे ऊपर उसके अंदर मिलते थे 100 टोकन। 100 टोकन वाले इन्होंने कर दिया रिमूव, देख रहे हो, 100 टोकन वाले इन्होंने कर दिया है रिमूव। अब वो 100 टोकन वाला देखो इस बंडल में दे रखा, जो कि इतना रेयर नहीं है, ठीक है, समझ रहे हो। एक तरफ हमें लूटा जा रहा है और हमको आंखों के सामने लूटा जा रहा है, लेकिन आप फिर भी पहचान नहीं पा रहे हो। मैंने एक राज आपको खोल दिया है जो कि है किधर से 100 टोकन वाला निकाल दिया है। वो सारे बंदे बोलते हैं कि भाई चलो बोलेंगे भाई, ज्ञान देंगे कि भाई 100 टोकन वाला निकटा जा, फिर क्या हुआ, निकलते तो वैसे भी नहीं। हाँ भाई, ये बात है, ये भी रियलिटी है कि निकलते तो वैसे भी नहीं है 100 डायमंड, लेकिन फिर भी गाइस हौसला तो रखते हैं ना बंदों को कि हाँ 100 टोकन निकल सकते हैं, किसी ना किसी निकलते होंगे, ऐसे जाने के भी एक के भी नहीं निकलते। और बात अलग, तुम्हारे नहीं निकले तो किसी के नहीं निकलेंगे, ऐसा नहीं होता। वो क्योंकि गेम है, ग्रीन है, पैसा हर एक से नहीं छापती, सिर्फ उससे हैं जो गरीब है, ठीक है ना, जो मैंने लिखना था, क्योंकि अमीर पे से क्या पैसा छापी, उनको तो आदत आई है भाई पैसा लगाने को, उन पर तो पैसा ही है, उनको दुख होता है गरीबों को और मिडिल क्लास वालों को होता है ना, जैसे कि हम, ठीक है। तो बात कर लेते हैं आज क्या, अगर आप इसमें से एक डायमंड निकालोगे ना, अगर आपका लक अच्छा हुआ, किस्मत अच्छी हुई, तो आपका इस पहले 200 के स्पिन में भी निकल सकते हैं, ठीक है, वरना अगर आपका 200 के स्पिन में नहीं निकल रहा तो 100% में बोल रहा हूँ मिनिमम, अगर आप डायमंड पे स्पिन करोगे इस पर तो मिनिमम आपके पास 2000 डायमंड होने जरूरी हैं एक बंडल निकालने के लिए। और वो भी पता कौन सा निकलेगा शुरू में आपका, ये तो ये वाला निकलेगा जो काफ़ी अच्छा है बंडल, देख लेना ये वाला बंडल ले सकता है 2000 डायमंड के आसपास, या फिर ये वाला निकलेगा लगभग बताऊँगा, ये वाला बंडल निकलेगा इस 2000 के इसमें जो कि बिल्कुल टट्टी है, ठीक है ना, ये वाला बंडल निकलेगा लगभग बंदों के 2000 के स्पिन में, जो कि बिल्कुल टट्टी है, आपको पता है। इस बंडल को निकालने के जो सबसे रेयर है, सबसे खतरनाक है, सबसे लाजवाब, बेहिसाब, फलाना जिमकाना है, उसके लिए गाइस आपको निकालने पड़े, कम से कम गाइस चाहिए होंगे, ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा मैं, कम से कम 5000 डायमंड, कम से कम बोल रहा हूँ मैं, कम से कम 5000 डायमंड। अगर इतने टॉप अप करने के लिए आपकी औकात नहीं तो मत निकाल लें, वरना आपके जितने 2000 डायमंड लगाओगे सभी वेस्ट जाएंगे। मेरा कहना तो ये भाई, अगर आपके पास अच्छे पैसे कमाते हो, ड्यूटी करते हो, सरकारी जॉब करते हो, तो आप लगा सकते हो, बट तो आप लगाओगे मेरी नहीं मान लो, जो मैं आपके उन बंदों के लिए बोल रहा हूँ जो कमजोर दिल के बंदे, छोटा मोटा टॉप कर सकते 500 रुपये का, 400 रुपये का, 1000 रुपये का, उनके लिए बोल रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। तो मैं तो बता रहा हूँ भाई, आपका तो डायमंड टॉप नहीं करेंगे, मैंने तो छोड़ रखा है इस गेम के ऊपर डायमंड टॉप करना, ठीक है, क्योंकि जब तक फ्री फायर इंडिया नहीं आ गई तब तक हम कुछ नहीं करेंगे, उसके बाद देखते हैं इंडिया आने के बाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, थोड़ा सा जानकारी अच्छी लगी, तो भाई आपको मोटिवेट करने के लिए बोल रहा हूँ, नहीं यार पीछे खाना बन रहा है इस वक्त, ठीक है। तो बाय बाय, लव यू, टेक केयर, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लव यू।